साले छपरी ऊपर से कंटेंट भी उनका छपरी बोलता तो क्या ही है, वो भौंकता ही है। बाहर निकलेंगे पब्लिक जानेगी उसको कि हाँ ये कोई है, बट उसके चप्पल मारेगी। उसका इतना सा करियर रह रहा है, आमिर सिद्दीकी वाला हाल कर जाऊंगा उसका भाई। कई ऐसी लड़कियां भी होती है ना जो ना शकल ना सूरत की फिर भी एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। उन लड़कियों को गालियां देते हैं, किसी की माँ को, किसी की बहनों को। अगर कोई छपरी उंगली करेगा तो भाई गाली तो खाएगा ही। और भाई आ जाना एनी टाइम, मुझे फंडागर रहता हूँ जाट कॉलोनी। मेरे को तो रेपिस्ट भी कह रही है लड़कियां। वो जो एलजीबीटीक्यू वाला टॉक तो तभी हार गया था जब टिकटॉक दरबार को बोल लूं भाई क्यों आया था बीच में। जो कंटेंट बना रहे हैं उसके बीच में आप लोगों को भी आने की जरूरत नहीं। मानहानि और डिफेमेशन को लेके आप लोगों को क्या पता है। मोटे दराजा खुशा कपिला को रोस्ट करा और उन्होंने रोते हुए वीडियो डाली। रोते हुए भी तीन फिल्टर लगे हुए थे स्नैपचैट के, अच्छे लगे सुनने में। बट वो ना पहले से गाली खा रही थी, उसकी शक्ल तो नाली साफ करने वाले से मिलती है, बट उसका जो भाई था ना। क्या लगता है आप शाहरुख खान जैसे दिखते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गंदा नहीं दिखता, वो दिखता है। ये दो चार गाली भेज रहा हूँ मैं उसको, दे देना। वो जो गर्लफ्रेंड वाला था वो आप डालोगे तो नहीं ना? मेरे पापा देखते हैं यार यूट्यूब पे सब डलेगा ना। तो कैसे हैं आप लोग? हाई, दिस इज आरजे महवश फ्रॉम 98.3 मिर्ची और मेरे साथ आ जाने वाले एल्विश यादव, जिन्होंने ट्विटर वर्सेस यूट्यूब का पूरा बवाल शुरू करा। ये एक यूट्यूबर होने के साथ साथ कंपनीज खा जाने के लिए आजकल फेमस हैं। और बाकी कैरिन नाथी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं ये बात आपको बता दूं। दूसरे मेरे साथ आने वाले हैं लक्ष्य चौधरी। वो यूट्यूबर हैं जिनका वीडियो कैरिन नाथी के साथ हटाया गया था इनकी रोस्टिंग की वजह से। तो देखते हैं जितने अच्छे रोस्टर्स हैं क्या उतने ही लॉजिकल जवाब भी दे पाते हैं। रेडी? एक बंदा है इजाज खान, जिन्होंने अपने वीडियो में ये बोला है कि जो भी टिकटॉकर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, धूप में बाहर जाके इतना काम करते हैं पूरा पूरा दिन, और ये यूट्यूबर्स कुछ नहीं करते, बस घर में बैठ के वीडियो बना के दूसरों के बारे में बकवास करते हैं। एनी कॉमेंट गाइस? मैं कहूंगा पहला कमेंट इस पर, मैं ये बोलूंगा कि उसका इतना सा करियर रह रहा है, मतलब है नहीं वो भी इतना सा भी नहीं है, बस थोड़ा सा रह रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि मैं आऊंगा आमिर सिद्दीकी वाला हाल कर जाऊंगा उसका भाई। मैं उसको क्या ही बोलूं कि भाई इतना सा रह रहा है, उसको बचा लो अपने करियर को, ना तो इस चिप जाओगे अगर इसमें पड़ गए तो। बस कुछ असर नहीं पड़ेगा पहली बात तो, अगर असर पड़ेगा भी ना तो भी उसके दो चार फॉलोवर कम ही हो जाएंगे, बढ़ेगा कुछ नहीं। और जितना इतना सा रह रहा ना वो इतना रह जाएगा उतना। ये कमेंट है मेरा उसके ऊपर। गाली गुड़ी थी मेरे मन में पर अच्छा नहीं लगा मेरे को पकने में। ये बात बोली कि टीम 07 का अदनान अगर आप लोगों के सामने आ गया तो वो बहुत सटकेला है, और वो यूट्यूबर्स के सामने आ गया तो देखेगा भी नहीं, जिंदा तल के खा जाएगा मच्छी की तरह। अरे कह रहे थे अदनान बहुत पागल है, मैं कह रहा था भाई हमारा एक दोस्त पागल था, उसको आगरा छोड़ा आए थे, तुम्हारे वाला पागल है, तुम सोशल मीडिया पे ढिंढोरा पीट रही हो, पागल है। तो भाई पागल है, इलाज करवा दो उसका, अपने पे आएंगे तो हम भी। आप लोग कितना डर गए? अरे बहुत डर गए हम तो। मैं तीन दिन तक कंबल तक नहीं निकला, कंबल से निकला, मम्मी से कह गई मम्मी मगर मम्मी कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, मैं बहुत डर जाता है। लड़ाई बेसिकली किसी मतलब ऐप से नहीं है, अगर बैन हो जाए तो चलन तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुशी होगा, वो कुछ दिक्कत नहीं मेरे को, ना भी हो अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो आपने आमिर सिद्दीकी की इंग्लिश पे भी उसकी काफी बजा दी गई थी, तो मेरा आपसे ये कहना है कि मतलब आपको नहीं लगता कि लोगों को मॉस्को जाने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया में बैठ के एक मतलब यू डिक्शनरी डाउनलोड करके या कुछ ऐसा डाउनलोड करके जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, आहा मोमेंट होते हैं, वहाँ पे वो ये चैलेंज लेके इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है भाई, हम भी उसकी लाइन में आते हैं, कभी कल को हम ट्रोल होने लगे। इंग्लिश पे तो मैंने ट्रोल करना छोड़ दिया भाई, हमारी भी एक ही नंबर है पूरी। लक्ष्य, आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो बेसिकली किस वजह से हटाई गई? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस वजह से हटी, वो जो एलजीबीटीक्यू वाला जो घुसा दिया था ना बीच में उन्होंने, एक उन लोगों से बात की मैंने एलजीबीटीक्यू वालों से जिन्होंने वो कंप्लेन दी, वो कह रहे हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप क्लैरिफाई कर देते ये वो, मतलब लोगों को अब ये है कि पहले एक रोस्ट वीडियो बनाओ उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाओ कि मैंने जो ये बोला वो नहीं था जो तुम समझ रहे थे, मैंने कुछ और बोला। कोई साउथ दिल्ली गर्ल्स तो बना रहे हैं रोस्ट वीडियो, कोई किसी पे उनके ऊपर रोस्ट हो जाता है तो रोना धोना शुरू कर देंगे स्टोरी में। खैर वो दिखाना ना अपने आप को हीरो की मैं स्टोरी डाल ली और मैंने रिपोर्ट करवाई, वीडियो डिलीट हो गई, मैंने दिखाया वो वीडियो प्राइवेट कर रखी थी मैंने, वो डिलीट कहीं भी नहीं हुई थी, वो तो मतलब मेरी शराफत है कि मैंने वो प्राइवेट कर दी। आपके भी एलजीबीटीक्यू के काफी सारे मसले हुए थे, सो बेसिकली एजाज ने वो सेम टर्म्स अपनी वीडियो में यूज करे, उनकी वीडियो क्यों नहीं रिमूव करी गई और आपकी वीडियो कैसे इस चीज में फंस गई? अरे एजाज खान को जानते नहीं ना कोई, तो इसलिए वीडियो रिमूव नहीं हुई हमारी हमारी को जान गए वाला एजाज खान को जानता नहीं है, लेकिन एजाज खान ने आपने आपके बारे में ये बोला है कि यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं तेरे भाई की सटकेगी तो तेरे गले में अटकेगी, तेरी जुबान तेरे गले में लटकेगी और तेरी आत्मा यूट्यूब के अंदर ही भटकेगी।
अरे डायलॉग भाजी, मैं भी एक दो कवि हायर कर रहा हूँ, वो लिख के दिया करेंगे, मैं भी लाइव पे आके बोला करूंगा, ये सब बरसते हैं वो बरसते नहीं, तो वो वाला सीन है भाई, आ जाना एनी टाइम, मुझे फंडागर रहता हूँ जाट कॉलोनी एनसीसी वाली गली, आ जाएगा भाई जब भी उसको मिलना होगा, जब अटकेली झटकेली करनी होगी बता देंगे उसको क्या होता है। उसके ऐसे डायलॉग्स की वजह से उसकी मूवीज नहीं चलती यार। मूवीज में डायलॉग मिले ही कहाँ मुद्दा आ रही है यार, जो मैं को पता क्या करता, देखो आप आपने देखा होगा आ जाएगा लाइव, आ जाएगा, किसी के साथ नहीं आता वो लाइव, ना उसके बस की किसी से बात करनी, हमारे आगे करो ना बात। मैंने उसकी बहुत सारी डिबेट देखी है न्यूज चैनल पे, बोलता तो क्या ही है वो, भौंकता ही है एक तरीके से, और उसमें चीखता है, मतलब उसके पास ना कोई पॉइंट का जवाब नहीं कि मैं इसका जवाब दे दूं उसका जवाब, बस उसे चीखना है और दूसरे की आवाज़ ना कम करनी है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। बट बहुत सारे बेवकूफ लोग होते हैं, वो समझते हैं कि भाई एजाज खान भाई तुम तो हीरो हो, हमारे आगे पॉइंट बोल के दिखाओ, अब इसलिए तो नहीं आया, उसको पता है ये सारे कर देंगे पॉइंट पॉइंट में बुरा हाल, इसलिए नहीं आया। जनता में से एक कमेंट है, टिकटॉक वाले छपरी से हैं, वहाँ पे ऐसा होता होगा वहाँ पे वैसा होता होगा, एल्विश हमेशा ये बोलते हैं, मान लो अगर टिकटॉक वाले छपरी से है भी और छपरी का आदमी आधा देश घूम आया तो इससे एल्विश की क्या जरूरत, दिस इज जनता कमेंट। मेरी किसी छपरी से तो क्या ही चलेगी मेरी पहली बात तो, और दूसरी बात भाई ये चाहे आधा देश घूमे चाहे पूरा देश घूमे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस मेरे को सच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये उठ के आए पहले अगर कोई छपरी उंगली करेगा तो भाई गाड़ी तो खाएगा ही, और सच बताऊं मेरे को छो भी आता है ऐसे छपरियों पे तो मेरे को ज्यादा गुस्सा आता है, बाकी मेरे कोई दिक्कत नहीं, बेचारे वो भी अपने छपरी है यार, अच्छे बालक है। नहीं हक सबको है कॉन्टेंट बनाने का, बट एक होते ना कि वो दिखते भी छपरी से हैं और उनका कंटेंट भी छपरी होता है, मेरे को बस उससे दिक्कत है। कई ऐसी लड़कियां भी होती है ना जिन जो बोल दूंगा चलो मैं ना शकल ना सूरत की फिर भी एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, वैसे ही वे छपरी हैं, एक तो साले छपरी ऊपर से कंटेंट भी उनका छपरी। मान हानि और डिफेमेशन को लेके आप लोगों को क्या पता है? मान हानि मुझे पता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ऐसे बोलोगे तो वो बोल सकता है कि भाई ठीक है मान हानि का केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाकी अब अगर हम एक ही तरफ सबको कैटेगराइज करके कर रहे हैं इसमें तो यार मान आने वाला कोई मैटर ही नहीं बनता, हमने क्या किसी का नाम लिया। आपने ये बोला कि रोस्टिंग जो होती है वो लोग करते हैं साउथ दिल्ली गर्ल्स पे करते हैं इस पे करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ कंटेंट को लेके भी रोस्टिंग करी जा सकती है एंड लोगों की फोटोज लोगों की वीडियोज बिना यूज करे हुए भी रोस्टिंग करी जा सकती है, सो रोस्टिंग में बेसिकली आई वॉन्ट टू नो कि कितना जरूरी है उसकी फिगर उसकी बॉडी उसके जेंडर उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस या उसकी माँ बहन भाई भाई पे जाना, क्या रोस्टिंग सिर्फ कंटेंट की नहीं हो सकती? मैं बताता हूँ मैं बता रहा हूँ भाई रोस्टिंग सिर्फ कंटेंट की होती है, बट वही चीज है यार, सपोज कोई मोटा है, मैं मान लो कोई चीज मोटा है उसको भाई मोटा बोल दिया, आम जिंदगी में भी तो बोलता हूँ मोटे ही धरा जा, तो ये तो फन वाली बात है, बट जो स्लैंग यूज करते हैं पब्लिक समझती नहीं है, उनको लगता है कि ये तो सारे गाली बक रहे हैं हमको और उसके बाद ऑफेंड हो जाती है, उनको यार ये चीज समझनी जरूरी है कि भाई इतनी छोटी छोटी चीजों पर ऑफेंड हो जाओगे तुम तो फिर क्या ही बोलूं, होते रहो। पूरे टिकटॉक की वीडियो में एक जगह मेरा एक कमेंट था बॉडी शेमिंग का, जिसको बॉडी शेमिंग में ले सकते हैं, एक लड़की थी वो शायद दीवार से उतर के कुछ मतलब वो ट्रांजिशन आता है ना वो चलती है, तो मेरे को लगा कि भैया उसने गर्दन ऐसी कर रखी है, मैंने कहा गर्दन भूल गई क्या, मुझे बाद में पता चला कि वो फिजिकली वैसी है, और मैं अगर वो वीडियो रहती यूट्यूब पे मैं उसको ट्रिम भी कर देता कि चलो ठीक है, और लेकिन कभी कभी हंस लेना चाहिए भाई। नॉट टू टेक द नेम अगेन बट उन्होंने ये बात बोली कि आपकी दुनिया की लड़कियां और यूट्यूब की लड़कियों को आप रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं लेकिन आप उन इंसानों को गालियां ना देके उन लड़कियों को गालियां देते हैं, किसी की माँ को किसी की बहनों को गालियां देते हैं। एजाज खान तो सबसे ज्यादा देता है अपनी लाइफ में आके, और कैरी मिनाटी को और मुझे खुद उसने गाली बकी, फिर टीम 07 और इनकी जो ऑडियो लीक हुई उनमें गाली बक रखी है, ये तो मतलब हर कोई ये बोलेगा माँ बहन की गाली मत दो बिलो द बेल्ट मत जाओ, करते सब वही है। बॉडी शेमिंग पूरे इंटरनेट पे हर कोई करता है, फिल्मों में भी होती है, कपिल शर्मा शो पे भी होती है, कहाँ नहीं होती, पॉइंट खत्म हो जाता है ना तो ये चीजों का सहारा लेना पड़ता है कि वो चीज हम देखें कभी ऐसे करते हुए कि वो यार देखो ये मेरे को गाली दे रहा माँ बहन की, अब मैं बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया रो के वीडियो बना दूं, कुछ ऐसा मैं कुछ ना ये करता देखा हुआ ना मैं करता देखा। कंट्रोवर्सी है कि आपने खुशा कपिला को रोस्ट करा और उन्होंने रोते हुए वीडियो डाली, सो उसके पीछे क्या रीजन? रोते हुए भी तीन फिल्टर लगे हुए थे स्नैपचैट के। मैंने एक रोस्ट वीडियो बनाया फेमिनिज्म के ऊपर, फेक फेमिनिज्म के ऊपर, और उसमें फिर मैंने वही कह के चला था कि मेरे को कोई हेट नहीं भाई किसी से, बट जब फॉलोअर्स ने उसको जाके गाली गुली बक दी, मेरे को भेजती है स्क्रीन शॉट भेजती है कि ये देखो एलविश मेरे को क्या गाली पड़ रही है, ये पड़ रही है वो पड़ रही है। अच्छा उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा? हाँ मेरी तो बात होती है फोन नंबर मांग रही
उसको अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, बट वो ना पहले से गाली खा रही थी। मौका मिल गया कि मैं ना एलिविश का नाम लगा देती हूँ कि ओ इससे आए हैं वो फॉलोवर जो मेरे को गाली बक रहे हैं। रही बात उसकी रोती हुई वीडियो बनाने की, तो यार वो ये सिंपैथी लेने के लिए कि यार पब्लिक कभी मेरे को और ना बक दे, ये सब शांत करने के लिए ना ऐसे करना पड़ता है। कभी मेरे साथ ऐसे होगा ना मैं भी रो दूंगा यार एक बार भी। एक वो भाई वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैंने सीखा, फिर वो मिसोजिनिस्ट, मैंने तो एक लड़की को थैंक यू बोल दिया, मुझे बोल के गई यू आर मिसोजिनिस्ट, मैंने कहा थैंक यू सो मच, बाद में पता चला है तो गाली है, उनके ज्यादा एक्टिव फॉलोअर है नहीं तो इंग्लिश में बकता गाली इंग्लिश में बकते भाई। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ मैंने पढ़ा नहीं, एक तो ब्रो ब्रो करके लड़की कुछ मुझे गाली दे के गई, तो मुझे लगा मैं सोचता था कुशा कपिला मेरे से 10-15 साल बड़ी है, लेकिन फिर मुझे पता चला है बहुत ही मैच्योर है। मैंने फिर वो दोनों तीनों ब्लॉक कर दी, मैंने कहा ये जब तक टैग करती रहेंगी ये तो कुछ भी बोलती है, इनके ये वर्ड ऐसे ले आती है, पिछले 2-3 के मीनिंग सीख के हम अगले 2-3 ऐसे ले आएंगे, फिर सेक्सिस्ट होमोफोब पता नहीं क्या क्या, मुझे पता ही नहीं मैं वो सब हूँ, मतलब ये हमें बता रही है तुम ये हो, तुम्हें नहीं पता पर तुम ये हो। मेरे को भी सुनने को मिल रही है भाई ये सेम चीज है भाई, मेरे को तो रेपिस्ट भी कह रही है लड़के देख लो। अच्छा आपने वीडियो में ये भी बोला है कि इनकी ऑडियंस है रिक्शे वाली पंचर बनाने वाली, आई मीन तो एक तो उसमें बुराई क्या है, दूसरा क्या आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे थे, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये तो कम्युनिटी होती है। मैंने यूं बोला, मैं एक बार पंचर जुड़वाने जा रहा था तो वहां पे जितने लड़के काम कर रहे थे खाली बैठे थे, जो पंचर छोड़ के वो टिकटॉक चला रहे थे, तो मैंने तो फैक्ट बताया, अब उससे कोई चिढ़ गया तो मैं क्या कहूँ। शिक्षे बनाने वाले भी और पंचर बनाने वाले, मैं ये बता दूं कि वो काफी इज्जत से कमा रहे हैं और एक मेहनत से कमा रहे हैं, और इस देश के लोग रिच हैं क्योंकि उनके नीचे पहले गरीब हैं। मैं तो ये कहा ही नहीं कि वो गरीब है, लोगों की सोच गलत है ना भाई। बैठी आपके रोज सुनने के लिए, आपके सरकाज्म समझने के लिए, तो वो भी इतने बेवकूफ नहीं, उन्हें भी समझ आती है इनकी तो ऑडियंस रिक्शे वाली पंचर वाली है, सो इसका मतलब बेसिकली। आपने ये बोला था कि आमिर की शक्ति पन्नी चुगने वाले से मिलती है। नहीं, उसकी शक्ल तो नाली साफ करने वाले से मिलती है, पर उसका जो भाई था ना एसआर के नाम का, जिसको बोला था मैंने पन्नी चुगने वाला, क्योंकि सच में मिलती थी भाई, कसम बता रहा हूँ, अगर ना मिलती होती ना तो मैं नहीं बोलता पन्नी भी चुगता हो यार। नहीं, हम तो बहुत गंदे दिखते हैं, मैं गंदा नहीं दिखता भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गंदा नहीं दिखता, वो दिखता है। कंट्रोवर्सी में से जितनी भी हुई, इसमें एक बंदे का अपनी खुन्नस निकालने को मिले तो किसपे निकालो? अभी दरबार को बोल लूं भाई, क्यों आया था बीच में, मैं अदनान पे निकालूंगा, छुआ था मुझे। आप दोनों ने रेस की बातें बहुत करी है, यूट्यूब इसमें जीता है या इसमें दूसरी वाली ऐप जीती है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, सो एक मिनट है, बताओ कि विच इज बेटर? YouTube बेटर है हर चीज में, चाहे वो कंटेंट हो गया, चाहे वो क्रिएटर्स हो गए, मतलब क्या ही उसको इन्फ्लुएंस कर लोगे लोगों को एक मिनट में, 15 सेकंड में। और असली कंटेंट अगर देखना है तो YouTube पे आके देखो, प्लस TikTok अपनी मर्जी से दिखाता तुमको और YouTube पे लोग अपनी मर्जी से देखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई YouTube बेटर है हर वे में, बाकी यही बेटर है और कोई जवाब ही नहीं था। टिकटॉक तो तभी हार गया था जब टिकटॉक ने कभी अच्छे जो है कंटेंट क्रिएटर है उनको कभी सपोर्ट ही नहीं किया। लोगों ने ऐसा भी बोला कि आपकी वीडियो हटा दी गई, कैरी की वीडियो हटा दी गई, तो यूट्यूब हार गया। टिकटॉक डिलीट होने ही तब शुरू हुआ जब हमारी वीडियो डिलीट हो गई थी। वीडियो डिलीट होने का भी मैं तो कहूंगा बेनिफिट ही है, बढ़िया है भाई, नौकरी वोकरी कर लो, दिक्कत हो जाएगी, वो तो जाने वाली है इंडिया में से। अच्छा, आपका LGBTQ वाला जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था बेसिकली, उस पर मेरा एक क्वेश्चन है, बोल रहे थे कि वो आप हंसाने के लिए बनाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों को भी हंसना पसंद है? ऑब्वियसली दे आल्सो वांट टू लाफ, बट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन देयर लाइव्स, तो वो जो रोज बुली हो रहे हैं, ये सारी वर्ड्स जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जो ऑफेंसिव हो रहे हैं उनके लिए, जिससे वो हर्ट हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर से देखो, जिस दिन टिकटॉक और यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी मैंने, बहुत ऐसे लोग हैं जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक का मैं ले देता हूँ, सैंडी साहब, ठीक है, वो बहुत खुश था उस वीडियो से भी, जब तक किसी ने पिंच आउट नहीं किए वो सारे वर्ड्स की, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, जैसे मैं एजाज खान को बोल दूं कि तू बेवकूफ आदमी है तो उसको ही बुरा लगेगा, ये कोई मुद्दा ही नहीं उठता कि भाई LGBT वालों को बुरा लग गया कि और हमको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, और को बोल रहे हैं, हमें बीच में आने की जरूरत क्या है? बीच में आने वाली बात है, तो ऐसे तो टिकटॉक जो कॉन्टेंट बना रहा है उसके बीच में आप लोगों को भी आने की जरूरत नहीं, सो इट इज लाइक दैट्स हाउ इट गोज, एक किसी ने बनाया, फिर दूसरे ने बनाया, फिर उसने रिप्लाई करा, सब घुसते हैं एक कॉन्ट्रोवर्सी में, बिकॉज यू गाइज आर पब्लिक फिगर्स, राइट? क्या आप लोगों के पास भी धमकियां और ये सब आ रही है? बट सच में किसी का भी फोन नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आया, मैंने कुछ नहीं करा यार, ऐसा मतलब आनी तो चाहिए थी मेरे पास एक आदमी।
तो आप लोगों ने आमिर को जो फेमस कर दिया उसके बारे में आपको क्या कहना है? कैरी ने रोस्ट किया था ढिंचक पूजा को फेमस कर दिया, बट वो कैसे फेमस है देखो ना, जब पब्लिक उससे ऐसे थोड़ी है, वो ढिंचक पूजा फोटो खिंचा लो, अब उसको देखेंगे ऐसा कि क्या बना रही है। ठीक है, आमिर बेचारा नेगेटिव हिट लेके थोड़ा फेमस होगा, वो बाहर निकलेंगे पब्लिक जानेगी उसको कि हाँ ये कोई है, बट उसके चप्पल मारेगी। अब जैसे एजाज खान है वो इतनी बेवकूफी वाली बात कहता है, इतनी बेवकूफी तो गाली से भी नीचे आती है बात है, अगर मैं गाली दूं ना गंदी गंदी तो भी मैं उससे ऊपर रहूंगा कि एल्विस ने कुछ अच्छा ही बोला गाली देके भी। मेरे को मैं कोई पर्सनली हेट नहीं उसको, बट फिर भी ये दो चार गाली भेज रहा हूँ मैं उसको, दे देना अपने हिसाब से। आप लोग रोस्ट गाली के बिना क्यों नहीं कर सकते? अगर रोस्टिंग मैगी है तो उसमें गालियां मसाला है। ठीक है, कैरी की वीडियो में भी थी दो तीन गाली थी, हमारे वाले में तो एक भी नहीं। मैं तो असली में भी नहीं देता यार। एल्विस तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या गर्लफ्रेंड है? अभी सब्सक्राइबर उल्टे हो गए। मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी है? नेक्स्ट वीडियो यार, नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है, अभी मैंने लिखी है, कल शूट कर रहा हूँ मैं। अभी बहुत सब्सक्राइबर कट जाए, बहुत सब्सक्राइबर कट जाए। नहीं है, नहीं है। मेकअप करती है ये तो बता दू? हमारे यहाँ पे कोई करता ही नहीं मेकअप, वो जो गर्लफ्रेंड वाला तो वो आप डालोगे तो नहीं ना। ऐसे ऐसे करके शर्मा रही हूँ मैं, कैसे नहीं डाल सकती देर में। अरे ये वाली क्लिप दिखा रहे हैं कैसे उतरे हुए हैं, ये रोस्टिंग करते हैं, बजरे गर्लफ्रेंड के नाम से इसके। मेरे पापा देखते हैं यार यूट्यूब पे सब डलेगा ना तो। अरे थैंक यू, थैंक यू, बाय। कहाँ से जाते हैं? Don't go to Moscow. पैसा बर्बाद यार, मॉस्को जाके पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में बैठे या दुनिया में कहीं भी बैठे, यू डिक्शनरी डाउनलोड करिए, और इसमें एक मोमेंट होता है आहा मोमेंट, जिससे ना आप अपना प्रोनंसिएशन चैलेंज ले सकते हैं। तो अगर आपके प्रोनंसिएशन को भी आप प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं, उस चैलेंज में ये होता है कि वो आपको रेटिंग देता है। तो आ गई तो भाई आ गई, नहीं आई तो मॉस्को जाके पैसा तो बर्बाद हुआ नहीं। सो प्लीज टेक दिस चैनल एंड डाउनलोड यू डिक्शनरी। धन्यवाद।